राधे राधे मित्रों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वे कहीं न कहीं इस बात से जुड़े हुए हैं कि व्यक्ति को नरक के भय से मुक्ति मिले और वह जीवन खुशहाल तरीके से बिना किसी डर के जी सके। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण में लोग स्नान करने के बाद कारीट नामक एक स्थानीय कड़वा फल होता है, उसे पैर से कुचलते हैं, जो नरकासुर के नाश का द्योतक होता है। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन तीन कार्य ऐसे होते हैं जो अगर हम करते हैं तो हमें नरक के भय से यानी यम के भय से मुक्ति मिल जाती है। आज वही तीन कार्य हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वे तीन कार्य। पहला कार्य है तेल मालिश करके स्नान करना। दोस्तों, कार्तिक के महीने में जो कार्तिक का व्रत करते हैं उन्हें तेल लगाना अलाउड नहीं होता। केवल एक नरक चतुर्दशी ही ऐसा दिन होता है जिस दिन वे तेल लगा सकते हैं। तो नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान से पहले पूरे शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए और उसके कुछ देर बाद स्नान करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन मां लक्ष्मी तेल में और गंगा जल में निवास करती हैं। इसलिए इस दिन तेल की मालिश करके जल से स्नान करने पर मां लक्ष्मी के साथ ही साथ गंगा मैया का भी आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के जीवन में उसे तरक्की मिलती है। कुछ स्थानों पर तेल स्नान से पहले उबटन लगाने की भी परंपरा है। दूसरा कार्य है टहनियों को सर पर से घुमाना। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन जड़ के साथ मिट्टी से निकली हुई अपामार की टहनियों को सर के ऊपर से घुमाने की परंपरा है। धर्मशास्त्र के अनुसार अपामार के साथ लौकी के टुकड़े को भी सर पर घुमाने की परंपरा का जिक्र मिलता है। कहते हैं ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति को नरक का भय नहीं रहता। तीसरा कार्य है तर्पण और दीपदान। नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता के निमित्त तर्पण और दीपदान का भी विधान है। इस दिन शरीर पर तिल के तेल की मालिश करके सूर्योदय से पहले स्नान करिए और स्नान के दौरान अपामार्ग को अपने शरीर पर स्पर्श कराइए। अपामार्ग को स्पर्श कराते वक्त जो मंत्र आपको बोलना चाहिए वो है सीता लोष्ट समायुक्तम संकट कदलान्वितम हर पाप मपामार्ग भ्राम्य माणः पुनः पुनः। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके निम्न मंत्रों के द्वारा तिल युक्त जल से तीन तीन जलांजलि आपको देनी है। ये यम तर्पण कहलाएगा। इससे आपके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाएंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम यमाय नमः, ओम धर्म राजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दघ्राय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार से तर्पण कर्म सभी पुरुषों को करना चाहिए, चाहे उनके माता पिता जीवित हों या ना हो। दोनों ही परिस्थितियों में आपको तर्पण का कार्य करना चाहिए और उसके बाद देवताओं का पूजन करके शाम के समय यमराज को दीपदान जरूर करना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विशेष विधान होता है और इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान के साथ पूजन करता है उसके मन के सभी पाप दूर हो जाते हैं और अंत में उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है। दोस्तों, नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई जो कथा प्रचलित है वो कुछ इस प्रकार है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से तीन पग धरती मांगकर तीनों लोकों को नाप लिया तो राजा बलि ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दे करके मुझे कृतार्थ कीजिए। तब भगवान वामन ने पूछा, क्या वरदान मांगना चाहते हो राजन? दैत्यराज बलि बोले, प्रभु आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए दीपदान करे उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए और जो व्यक्ति इन तीन दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़े। राजा बलि की प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन मेरा वरदान है कि जो चतुर्दशी के दिन नरक के स्वामी यमराज को दीपदान करेंगे उनके पितर कभी भी नरक में नहीं रहेंगे और जो व्यक्ति इन तीन दिनों में दीपावली का उत्सव मनाएंगे उन्हें छोड़कर मेरी प्रिय लक्ष्मी अन्यत्र नहीं जाएंगी।
भगवान बामन द्वारा राजा वली को दिए हुए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान करने का प्रचलन आरंभ हुआ, जो अभी तक चल रहा है। एक अन्य कथा के अनुसार नरक चतुर्दशी भगवान कृष्ण और नरकासुर से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार प्राग ज्योतिषपुर नगर का राजा नरकासुर नामक दैत्य था और उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को बहुत परेशान कर दिया। वो संतों को भी त्रास देने लगा, महिलाओं पर अत्याचार करने लगा। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया तथा उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरकासुर का वध करके देवताओं और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। उसी की खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तब से नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, इस साल नरक चतुर्दशी पड़ रही है 6 नवंबर 2018 दिन मंगलवार को, और इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है, पहला मुहूर्त है सुबह के 9:32 से 11:45 तक का। दोपहर का जो शुभ मुहूर्त है वो है 12:05 से 1:22 तक का। और तीसरा शुभ मुहूर्त जो शाम का है, जो यम पूजन के लिए है, वो है 5:40 से 7:05 तक का। तो शुभ मुहूर्त में पूजन कीजिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।